लॉजिकल एग्र ज्ञान में संपूर्ण दर्शक का स्वागत है। आपने आज देख रहे हैं यहाँ पर टमाटर का पौधा, टमाटर खेती का बिरुआ है। ये सूर्य और कविता जात का बिरुआ है। आप यहाँ पर देख रहे हैं श्रावण महीना की पहला हफ्ता में ये जमाना चाहिए और भाद्र महीना के पहले हफ्ता में ये एक महीना का बिरुआ होने के बाद आपने इसको मल्चिंग करके रोपना चाहिए। और यहाँ बड़ा सुंदर और आधुनिक तरीका से यहाँ पर एक बिरुआ है, आप देख रहे हो। आपने भी व्यवसाय के लिए खेती करने चाह रहे हो तो इसे आधुनिक तरीका से आपने बीज का उगाना चाहिए और लगाना चाहिए। यहाँ पर काउली का ये बिरुआ है, ये भी आपने ये आपका ये पानी आने के टाइम में, वर्षा के टाइम में आपने इसे अंदर से ढाक के इसको बनाना चाहिए। और ये रायो साग का ये पौधा है, बिरुआ है, और यहाँ पर अच्छी वाला धान भी है। इसे करके हम आधुनिक तरीका से खेती करना चाहिए। ये एक रेडी वाला जो बिरुआ है लगाने के लिए जो रेडी हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और ये लौकी खेती है, ऐसे लौकी खेती को ऐसे मल्चिंग करके हम लगा सकते हैं, आप भी लगा सकते हो। हम इस मल्चिंग में यहाँ पर लौका खेती करेंगे। और कैसे लग रहा है आपको ये आधुनिक तरीका? और यहाँ पर भिंडी है, और भिंडी को हम मल्चिंग करके भी कर सकते हैं, और अभी यहाँ ड्यांग करके ऐसे करके भी हम भिंडी लगा सकते हैं। भिंडी का भी अच्छा दाम आएगा, वो विनस जात का भिंडी है। और ऐसे करके हम कोई भी खेती का बीज जमाना है तो आप ऐसे करके क्रेट में किटमस का प्रयोग करके क्रेट में एक एक दाना करके लगाएंगे तो आपका लगाना और फलाना उतना इजी होगा। और आपने इसे आधुनिक तरीका से खेती करना चाहिए। आपने ये वीडियो अंतिम तक देख लिया और अंतिम तक का ज्ञान ले लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय कृषि।